तो यार अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे डैंड्रफ। तो डैंड्रफ जो है डर्मा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो डर्मा का थर्ड वीडियो रहेगा। तो यार प्लीज़ जो वीडियो है पूरा देख के जाना, तो पूरा डर्मा का जो जो डैंड्रफ का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ जो डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ का इमेज भी बताऊँगा। तो जब से सबसे पहले जो डैंड्रफ होता है बेसिकली एक किसकी वजह से होता है, ये बेसिकली एक फंगस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माला सेजिया ग्लोबोसा। तो एक माला सेजिया ग्लोबोसा नाम का एक फंगस होता है, उसके थ्रू ये कॉज होता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक फंगस होता है। तो माला सेजिया ग्लोबोसा नाम का एक फंगस होता है जिसके थ्रू ये कॉज होता है। और ये बेसिकली कैसा होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है। मतलब इसमें मतलब किसी को टच करने से जो है वो फैलता नहीं है, तो नॉन इन्फेक्शियस होता है। और प्लस इसको क्या होता है, नो रिलेशन विथ हाइजीन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना हाइजीन, मतलब क्या शैम्पू लगा दो, बाल अच्छे से धो रहे हैं, तो उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो नो रिलेशन विथ हाइजीन, तो हाइजीन के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये बेसिकली होता क्यों है, इसका मेन कॉज क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेबम। तो अभी देखो अब बेसिकली होता क्या है इसका, अगर पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ तो होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है कि जो अपना एट प्यूबर्टी, और मेनली ये प्यूबर्टी में देखने को मिलता है, प्यूबर्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। एट प्यूबर्टी क्या होता है कि जो सबीसियस ग्लैंड होती है उनमें जो सेबम का सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में सेबम का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। अब इसी सेबम पे जो होता है, जो माला सेजिया ग्लोबोसा है, वो क्या करता है, फीड करता है और सिक्रीट करता है ओलिक एसिड। अब बस यही ओलिक एसिड जो होता है, यही ओलिक एसिड ये क्या कराता है, बेसिकली जो एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस में क्या करता है, इन्फ्लामेशन कर देता है। और इससे क्या बन जाता है, स्किन फ्लैग्स बन जाते हैं, जैसे अभी मैंने फोटो में दिखाया, स्किन फ्लैग्स बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैंड्रफ बोलते हैं। यही अपना क्या होता है, डैंड्रफ होता है। और एपिडर्मिस की कौन सी लेयर पर इन्फ्लामेशन करता है, तो याद रखने का, स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन स्ट्रैटम कॉर्नियम को अफेक्ट करता है ये, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद इसका कोई रिलेशन तो मैंने हाइजीन के साथ नहीं है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन, तो इसका इन्वेस्टिगेशन यार जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ये मेनली क्लिनिकल होता है कि यहाँ पे जो है स्किन फ्लैग्स जो होते हैं वो झड़ते हैं, तो यहाँ पे स्किन फ्लैग्स बन जाते हैं जो अपने को मिल जाता है, जैसे अभी मैं फ़ोटो में दिखाया था, जैसे ये देखो, ये ऐसे स्किन फ्लैग्स मिलते हैं। तो यार अगर कोई डैंड्रफ नहीं पहचान पा रहा है तो बहुत ही अलग बात है, क्योंकि डैंड्रफ क्लिनिकली हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। देन इसके बाद इसका ट्रीटमेंट, अब इसका ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो इसमें हम लोग यार तीन चीज़ें देते हैं, या तो हम लोग शैम्पू देते हैं या हम लोग लोशन दे सकते हैं, या फिर अगर सीवियर केस है तो एंटी फंगल ड्रग हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले अगर शैम्पू की बात करूँ ना, तो कीटोकैनाजॉल शैम्पू जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है कीटोकैनाजॉल, क्योंकि ये क्या है, फंगल है। तो हम लोग ये जो एजोल ग्रुप का होता है कीटोकैनाजॉल, तो सिंस ये फंगस है, जो मालासीजिया है फंगस है, तो इसी के लिए हम लोग इसमें देते हैं। और ये हो गया, तो कीटोकैनाजॉल शैम्पू हम लोग देते हैं। ये क्या देते हैं, इसको हम लोग कैसे देते हैं, इसको देने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग ट्विस अ वीक फॉर कितने, 6 से 8 वीक के लिए हम लोग दे सकते हैं इसको, 6 से 8 वीक के लिए दे सकते हैं ट्विस अ वीक। इसको क्या करना है, 3 से 5 मिनट तक अप्लाई करने का रहता है, उसके बाद इसको धो देना रहता है। तो कीटोकैनाजॉल सैंपल हो गया। और जैसे सैंपल की बात करूँ तो सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड एक सैंपल होता है, एक सैलिसिलिक एसिड, या फिर एक होता है 2% सेलेनियम ऑक्साइड, ये हो गया। और एक कॉम्बिनेशन आता है जिसमें क्या होता है, कीटोकैनाजॉल प्लस उसमें जिंक पायरीथोन होता है कॉम्बिनेशन में। तो इसमें कीटोकैनाजॉल
प्लस जिंक पायरेथन का कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो होता है शैम्पू भी आता है, शैम्पू भी आता है, उसका लोशन भी आता है, इसका शैम्पू और दोनों लोशन भी आता है। और लोशन को देखो इसी सबका लोशन भी होता है, तो लोशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, लोशन को क्या करते हैं लगा देते हैं हम लोग, लगा देते हैं और उसको हम लोग उसको जब तक उसका एक्शन है होने देते हैं, उसका उसको हम लोग वॉश आउट नहीं करते, जब तक उसका एक्शन है होने देते हैं, उसको लगा के छोड़ देते हैं। अब अगर जो ज़्यादा सीवियर केस है तो उसमें एंटी फंगल ड्रग दे सकते हैं, जिससे इट्राकैनाजोल, इट्राकैनाजोल तो इट्राकैनाजोल हम लोग देते हैं बेसिकली 200 mg ओडी देते हैं, 200 mg ओडी देते हैं फॉर 4 to 6 वीक के लिए, 200 mg ओडी फॉर 4 to 6 वीक के लिए। या फिर हम लोग फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं, फ्लूकोनाजोल हम लोग देते हैं 150 mg वंस अ वीक देते हैं, कितने दिन के लिए, यही फॉर 4 to 6 वीक, फॉर 4 to 6 वीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फ्लूकोनाजोल जो होता है, फ्लूकोनाजोल हम लोग देते हैं एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल ड्रग ओरली देते हैं 150 mg वंस अ वीक फॉर 4 to 6 वीक। या फिर इसको हम लोग अगर डेली है तो 50 mg डेली हम लोग दे सकते हैं ओडी फॉर 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक ये हो गया। और एक और ड्रग आती है, एक और ड्रग है टर्बिनाफिन, टर्बिनाफिन तो टर्बिनाफिन को भी हम लोग दे सकते हैं, इसका भी कुछ डोज है 250 mg ओडी फॉर 4 to 6 वीक या फिर 4 to 8 वीक जो भी है। तो इतना भी मतलब इतना हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डैंड्रफ, तो हो ये इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी था। और यार क्या है ना, 50% पॉपुलेशन जो होती है ना डैंड्रफ से जूझ रही है 50% पॉपुलेशन डैंड्रफ से जूझ रही है। और जो ये होता है नो रिलेशन विथ हाइजीन, तो हाइजीन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा बाल को धो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उसको सैंपल कर रहा है, उसको हमेशा धो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डैंड्रफ नहीं होगा, उसको डैंड्रफ हो सकता है। और मेनली प्यूबर्टी में देखा जाता है, और क्यों, हार्मोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस करता है। इसमें मालासीजिया ग्लोबुसा जो होता है सेबम पे फीड करता है, ओलिक एसिड सिक्रीट करता है, यही ओलिक एसिड एपिडर्मिस में इन्फ्लामेशन कराता है, स्ट्रैटम कॉर्नियम क्लियर पे, और स्किन फ्लेक्स बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डैंड्रफ बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट शैम्पू लोशन है एंटीफंगल ड्रग। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डैंड्रफ।